आज गोदाम में काम ज्यादा हो गया है तो एक और आदमी क्यों नहीं रखते हाथ बटाने के लिए। मैं मुनीम चाचा से बात करूंगी, तुम घर जल्दी वापस आ जाओ। मुनीम चाचा से बात करने की क्या जरूरत है, मैं घर जल्दी वापस आ जाऊंगा। अरे अरे वादा करके तो जा। वायदा ही तो किया है बाबा, वायदा ही किया है, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। अरे 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 कॉलर यू रखा करते हैं। क्यों यू रखा करते हैं शरीफ आदमियों की तरह। हो गया शरीफ आदमी, जाऊं मैं? जाओ ना। अरे इसे भी लेते जाइए और तुम्हें भी साथ ले चलूं। जा। पैंतीस हजार रुपए तो हमें मार्केट का 35,000 रुपया देना है। और भी है, 700 रुपए। 700 रुपए तुम्हारा शराब का बिल। लेकिन ये सब इतना कैसे हो गया? ये तुम पूछ रहे हो? पिछले 4 महीनों की सारी कमाई तुमने शराब में नहीं बहा दी? उस मक्कार खन्ना से दोस्ती की, उसकी सलाह पर चलने लगे। ये दफ्तर जहां एक दिन तुम्हारे पिताजी बैठते थे, यहां भी तुम दोनों दिन रात शराब पीने लगे। व्यापार की जगह लक्ष्मी का मंदिर होती है अमर, क्या मंदिर में भी कोई शराब पीता है? ये सब मेरा ही कसूर है, आपने मुझे बार बार समझाया लेकिन मैंने आपकी एक न सुनी। मुनीम चाचा क्या हमें कहीं से भी कर्जा नहीं मिल सकता? कौन देगा? फर्म की ये हालत, तुम्हारी ये बदनामी, कुछ समझ में नहीं आता। मीरा को आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और मैं सब कुछ उसे छिपा रहा हूं। अब भी वक्त है अमर, तुम शराब पीना छोड़ दो और मीरा को जाकर सब कुछ बता दो। मुसीबत में बीबी से बड़ा हमदर्द कोई नहीं हो सकता। तुम नौजवान हो, एक बिजनेस में मार खाई तो दूसरा शुरू कर सकते हो, लेकिन एक बार अपनी पत्नी का विश्वास खो दिया तो फिर जिंदगी भर नहीं संभल सकोगे। मीरा देखो आज मैं ठीक 7 बजे आ गया। क्या बात है? कुछ नहीं। मीरा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। दरअसल आपकी दफा जब तुम बाहर गई ना तो हम बैठो ना। हाँ हाँ वहां बैठा जाता हूँ। यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो मैंने रखी है लेकिन वहां कैसे आ गई? ओ बात यह मीरा कि जब तुम बाहर गई थी ना तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि तुम शराब पीना शुरू कर दो। हाँ हाँ टॉनिक की तरह। कौन है वो डॉक्टर जो टॉनिक की जगह शराब देता है? उस डॉक्टर को भी बदल दो और इस टॉनिक को भी। पिछवाड़े से सामने से आइए ना, मैं जरा जल्दी में हूं, एक क्वार्ट में यहीं रहता हूं। जल्दी जी। मालूम होता है कि तुम भी शादीशुदा हो। अरे
पीते तो सभी हैं, लेकिन जो कमारे हैं वो मुरली की तरह मैदान में पी रहे हैं, और जो शादीशुदा है वो तुम्हारी तरह मुझ छिपा के पीते हैं। सोडा और गिलास लाऊं? नहीं शुक्रिया। देखो बिहारी, मैं तुम्हारा सारा पैसा बहुत जल्दी चुका दूंगा, मुझे ठेका मिलने वाला है, सब पैसा चुका दूंगा। ओफ, ओफ, इतनी जल्दी भी क्या है, ये तो घर की बात है। मुनीम जी, आज हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। रुपए का काम रुपए से होता है भैया, आज तनख्वाह नहीं मिल सकती, हमारा इंतजार नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं हमारे पास और कोई पूंजी तो होती नहीं, हमें जो तनख्वाह मिलती है उसी में से बाल बच्चों का पेट पालते हैं। अरे इन पैसे वालों के सब काम चलते हैं, घर चलता है, अयाशी चलती है। हमारे बाबू को शराब पीने के लिए पैसे मिल जाते हैं, मजदूरों के लिए नहीं। चंदन से मुनीम चाचा, तुमने ठीक कहा चंदन से, हमें एक नया ठेका मिलने वाला है, जब तक मैं तुम सब लोगों की एक पाई न चुका दूं मेरे लिए एक पैसा भी हराम है। मुनीम चाचा, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हमें यह ठेका मिलने वाला है? सब कुछ जानबूझकर मैं इन्हें कैसे बताता? क्या मतलब? वो ठेका खन्ना ने हासिल कर लिया। क्या? खन्ना इंसान नहीं शैतान है, उसने तुमसे दोस्ती की, शराब की आदत डाली, नशे की हालत में तुमसे सारे कोटेशन ले लिए, और उसने कम कीमत पे वही ठेका हासिल कर लिया। खन्ना, अरे तुम आओ बैठो, आओ। मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया था। कहो दोस्त, क्या काम है? मेरे पास एक काठ गोदाम है और एक छोटा सा मकान है, उसे भी अगर तुम ही संभाल लो तो। क्या मतलब? मेरे पास आजकल कोई ठेका तो है नहीं, इसलिए। भला मैं दोस्त होकर आपके ऊपर ऐसा जुर्म कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकते ना, तो फिर दोस्त होकर तुमने मेरा ठेका कैसे हड़प कर लिया? बिजनेस में ऐसा मुकाबला होता ही रहता है मेरे दोस्त। एक ही सांस में दोस्ती और बिजनेस का जिक्र मत करो, न तुम दोस्त हो न बिजनेस में, तुम एक दगाबाज कमीनी और नीच इंसान हो। दोस्ती का सबूत चाहिए? मेरे पास एक मैनेजर की जगह खाली है और मैं तनख्वाह भी अच्छी देता हूं, मंजूर है? कमीने साहब, thank you.
इस बज़्म में नजर न मिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है, पीना हराम है न पिलाना हराम है। अमर बाबू ये आपका बिल। पहले दो बोतलें शराब की फौरन हाजिर कीजिए। शराब मुफ्त में नहीं आती, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? कौन यकीन करेगा आप पर, आपका बाल बाल कर्जे में है। आज मधुबन का हर एक व्यापारी जानता है कि आपका व्यापार। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैं अभी भी चाहूँ तो दो बोतल तो क्या तुम्हारी सारी दुकान खरीद सकता हूँ, तुम्हें खरीद सकता हूँ। जुबान संभाल कर बात करो, अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो इसी वक्त मेरा हिसाब। खामोश रहो दोस्तों, ये महफिल जारी रहे। मुरली मुरली, तुम्हें मेरी कसम है यहाँ से कोई ले जाने पाए, मैं अभी घर से रुपया लाकर इस बदतमीज के मुंह पर फेंकता हूँ अभी। Thank you.
क्या बात, कौन हो तुम? जी कपूर साहब ने पैसे मांगे हैं। कपूर साहब ने? शराब का बिल। यहाँ क्या करने आए? कब तक मैं आना? कपूर साहब ने यही भेजा है और कहा है कि पैसे लेकर ही आना। ओ, कितना है आपका बिल? 980 रुपए। आप जाइए, आपकी दुकान पर पैसे पहुंच जाएंगे। आप कहती हैं तो चला जाता हूं, लेकिन आज हर हालत में पैसा मिल जाना चाहिए। जी हाँ। क्या हुआ? उठाइए, उठाइए इन्हें। कल रात यही जेवर चुराने आप आए थे ना, अब आपके सामने पड़े हैं। जाइए और अपना शराब का बिल चुका दीजिए। मुझे नहीं पता था तुम शराब के इतने आदी हो गए हो, इतने गिर चुके हो कि अपने ही घर में चोरी करोगे। लेकिन लेकिन क्या? उठाइए और जाइए दफ्तर। कैसे जाऊं मीरा, वहां चारों तरफ कर्जदार खड़े होंगे। मेरे ऊपर 35,000 रुपए का कर्जा है। 35,000? उसका भी बंदोबस्त कर देती हूं। ये क्या है? मकान के कागजात, जाकर इसे गिरवी रख दीजिए। मीरा, 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 क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ है मीरा? मेरे सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, घबराओ मत मीरा। तुम लेट जाओ, आराम करो। तभी ठीक है ना मीरा? चंपा, चंपा, मीरा, 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 चंपा तो डॉक्टर को बुला, जल्दी बुला। मेरी किस्मत ये है, कैसी है मेरा डॉक्टर साहब? फिक्र की कोई बात नहीं, आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। मेहमान आने वाला है? डॉक्टर, मीरा, मीरा जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा है? अब मैं ये मकान कभी नहीं गिरवी रखूंगा। तुम्हारी इज्जत दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। खोया हुआ घर वापस आ सकता है, खोई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती। मीरा, देखो अमर, तुम खुद समझदार हो, मैं फिर भी कहता हूं कि अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। आज तुमने अपना और अपने होने वाले बच्चे का आखिरी सहारा भी गिरवे रख दिया। ठीक कहते हो।
टेंडर मंजूर हो गया। टेंडर मंजूर हो गया? हाँ। अरे अच्छा तो तुम्हें मालूम है कि क्या होगा है? एक बात बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लड़का लड़की तो दोनों एक साथ चौथ का व्रत हमारे लिए रखा गया और हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। देख लिया चांद तोड़ सकती हो व्रत तो मुख पर हाथ हलो एक दो। अरे ये क्या है? कश्मीर के टिकट। अगले शनिचर को हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। वहां क्यों? इसलिए कि पहले दफा हम तुम दोनों कहां मिले थे। अच्छा। अरे खुद ही खुद कैसे हंस रहे हो, क्या बात? मुनीम चाचा घंटा बजा 9:30 का और मैं समझा 10:30 बजे, पुरानी आदत। अच्छा मुनीम चाचा संभाली अब अपना दफ्तर, मैं तो चला छुट्टी पर कश्मीर। जाओ घूम आओ, ये छुट्टी तो तुमने कमाई है अमर। अच्छा मुनीम चाचा मेरे जाने के बाद दो बातों का ख्याल रखिए, ठेके का रुपया आ जाने के बाद एक तो अपना मकान छुड़ा दीजिए जी, और दूसरे इन सब मजदूरों की तनख्वाह थोड़ी थोड़ी बढ़ा दीजिए जी। मुसीबत के दिनों में इन्होंने हमारा साथ दिया है, खुशी के दिनों में हमें भूलना नहीं चाहिए। अच्छा मुनीम चाचा। अच्छा अच्छा कश्मीर लेके जाएंगे, वहाँ घोड़े पे चढ़ाएंगे, बोटिंग कराएंगे। हम्म, अभी पापा आते हैं, अभी पापा आते हैं, रोने नहीं। मीरा, ए मीरा, बीवी भी रह जाएगी, बिगड़ जाने दो, कौन परवाह करता है। मीरा, हमारे और हमारे दोस्त के लिए पकौड़े बनाओ। चले जाओ यहाँ से। और वो कौन परवाह करता है, दो मुझे निकलता है कि नहीं। देखो मीरा, तुम हद से बढ़ जा रही हो, मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रही हो, उसे घर से निकाल रही हो, मैं भी चला जाता हूँ। बाबा अच्छा नाराज क्यों होते हो? इधर लाओ लाओ, मैं तुम्हारा गिलास भर देता हूँ। भाभी ने सचमुच आज तू बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। हाँ मुरली, मुरली मैं रोज नहीं पीता हूँ, लेकिन अगर एक दिन मैंने थोड़ी सी पी ली तो उसने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा मुरली।
उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आरो आग लगी है। लग जाने दो मुरली, लग जाने दो, आज मेरा सब कुछ जल जाने दो। जा दो। अरे ये तो भरने लगी, भरने दो। अरे इस आग के पीने वाले उस आग से क्या डरेंगे, क्या डरेंगे। बाबरे ये तो सुने वाले नहीं लगे। देवी को बहुत तेज बुखार है। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास जाता हूं, कोशिश करता हूं कहीं से कर्जा मिल जाए। कर्जा कोई नहीं देगा। इसे ले जाइए, बेच दीजिए। ये तो सुहाग टीका है। मैं जानती हूं ये मेरे सुहाग का टीका है, मगर वो मेरे सुहाग की निशानी है। जाइए ले जाइए। डॉक्टर कहाँ है? एक मरीज को देखने गए। कब तक आएंगे? बस थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी आ जाएंगे ना, मेरी बच्ची बहुत सख्त बीमार है। आप बैठिए, वो आते ही होंगे। बस बैठी बैठी। लक्ष्मी देवी ये आपके घर, दिन में चार दवा दीजिएगा। डॉक्टर साहब आएंगे भी या मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाऊं? जी वो आएंगे तो जरूर, पता नहीं क्यों देर हो रही। क्या आएंगे, क्या होगा मेरी बच्ची का? देखिए
जब आपने इतनी देर इंतजार करा है तो थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, बस वो आते ही होंगे। बस बहुत परेशान हो तो यहाँ क्या कर रहे थे? अरे परेशानी की दवा दवा खाने में नहीं प्यारे, वो तो ये है मुरली, दवा हो जाने से। निकाल दो, बस्ती से ही निकाल दो। जमा नहीं उल्टा, मैं परेशानी की दवा दे रहा हूँ और भाई है कि बिगड़ रहे हैं, फिर कहते हैं परेशान हूँ परेशान हूँ परेशान। अरे यार ये तो खाली हो गई मुरली। एक बोतल लौट। अरे वाह वाह जीओ प्यारे। ला ना जेब कट गई, ये देखो। ये बोतल तो मुरली की है मीरा, तुम्हारी जान की कसम। तुम तो बीमार बच्ची के लिए डॉक्टर को लेने गए थे ना, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। झूठ क्यों बोलते हो, तुम डॉक्टर के पास गए ही नहीं। अब तुम शराब नहीं पी रहे, शराब तुम्हें पी रही है। शराब के कारण तुमने घर बेच दिया, कारखाना फूंक दिया, बच्ची मौत के मुंह में है और तुम सुहाग टीका बेच कर शराब पी गए, शराब पी गए। हाँ हाँ पी आया, एक बार नहीं हजार बार पी कर आऊंगा। वो सुहाग टीका मैंने तुम्हें दिया था, वो घर भी मेरा था जो मैंने बेच दिया, वो कारखाना जो मैंने फूंक डाला मेरा था मेरा। ये बच्ची भी तुम्हारी है, बेच दो इसे, मैं भी तुम्हारी हूँ, बेच डालो मुझे। मुझे क्या जरूरत है, तुम बेचना चाहती हो अपने आप को तो बेच डालो। क्या कहा? कि अगर बहुत प्यार है अपनी बच्ची से तो बेच डालो अपने आप को। शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम इंसान नहीं। चला गया यही ना, तूने मेरे घर पे कदम रखा है तो बर्बाद हो गया, और जिस दिन से तूने इस लड़की को जन्म दिया है मैं कहीं ना रहा। बस करो भगवान के लिए बस करो, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों बस करूं, नहीं करूंगा। एक बार नहीं हजार बार कहूंगा कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चले जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे घर से। सुनो, तुम मुझे खरीद कर तो नहीं लाए, तुमने मुझसे ब्याह किया है, ये घर मेरा भी है। पति के घर औरत की डोली आती है और अर्थी निकलती है,
अगर तुम मुझे निकाल नहीं चाहते हो तो आओ अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, घोट दो मेरा गला, घोट दो मेरा गला। तो क्या उसका ही गला? इसके लिए तुमने मुझे बेशर्म कहा, शराबी कहा, क्या क्या नहीं कहा, आज मैं इसी का फैसला ही देता ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं कसम खाती हूँ आज से मैं तुम्हारा साया अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी, और ये भी याद रखो नहीं मैं अपने आप को या अपनी बच्ची को बेचूंगी, तुम्हें और दुनिया को दिखा दूंगी। अगर बाप ठुकरा दे तो माँ के साये में भी बच्ची पल सकती है। निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरे सामने। आज कहती है किसी की जिंदगी रोते हुए, मांग सुनी हो गई सिंदूर के अपना घर और अपनी कहानी क्या समझे दुनिया दीवानी, अपना घर और अपनी कहानी क्या समझे दुनिया दीवानी, अपना घर और अपनी कहानी। को पाकर लौटा की है इतनी कहानी, मंजिल को पाकर लौटाए राही की है इतनी कहानी, क्या समझे दुनिया दीवानी, अपना घर और अपनी कहानी, क्या समझे दुनिया दीवानी, अपना घर और अपनी कहानी। जिसके लिए जीना सीखा था उस बरी ने कदर न जानी, जिसके लिए जीना सीखा था उस बरी ने कदर न जानी, क्या समझे दुनिया दीवानी, अपना घर और अपनी कहानी, क्या समझे दुनिया दीवानी, अपना घर और अपनी कहानी। उनकी निशानी गोद में लेकर कह न सकूं इसे उनकी निशानी, उनकी निशानी गोद में लेकर कह न सकूं इसे उनकी निशानी, क्या समझे दुनिया दीवानी, अपना घर और अपनी कहानी,
क्या समझे दुनिया दीवानी, अपना घर और अपनी कहानी। तूने कहीं मीरा को देखा? नहीं बेटा। ये सब क्या हो गया भगवान, ये सब क्या हो गया? एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा तो न दो मुझे। मेरी बच्ची और मीरा को मुझसे मिलवा दो भगवान। मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा भगवान, जिंदगी भर हाथ नहीं लगाऊंगा भगवान, जिंदगी भर हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी बच्ची और मीरा को मुझसे मिलवा दो। खाली है शीशा और पिए जा रहा हूं मैं। ए भाई, एक ऐसे बोतल और दे दे। बस बाबा काका, उधार नहीं मिलेगा। उधार नहीं मिलेगा क्यों? पैसा लाओ या कोई चीज लाओ। बोतल दो, लाता हूं। नहीं, पहले लाओ। भाई भाई, पहले मैंने पैसे दिए, बाद में तूने बोतल दी, अब तो मुझे बोतल दे दे, पैसे मैं बाद में दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। मुझ पर विश्वास नहीं? मुझे तुम पर विश्वास है, जिसकी अभी तक मुझे नहीं फूटी। और तुम्हें इन सफेद बालों पर विश्वास नहीं है? अच्छा पट्टे देख लूंगा, अभी लाता हूं। दान नहीं मिलेगा, बाबा का राज। Thank you.
ले पट्टे। कौन है बे? अबे कौन है? यहाँ कोई बच्चा रो रहा था। जी हाँ, आपको पता नहीं कल रात में यहाँ बच्चा हुआ। लाइए थोड़ा सा दूध देते जाइए। लेकिन आपके यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता तो फिर रो भी नहीं सकता। ठीक है, जाइए जाइए, दूध बच गया आपका। बच्चा रो रहा। अरे चुप चुप, मरवा देगा क्या? अरे चुप। आप इत्मीनान रखिए, हम बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार, बेबी बेबी बेबी, ये बच्ची कहां से मिली तुम्हें? पेड़ के नीचे। जी हाँ, कल रात को इसे स्टेशन से चुरा ले गया। क्या जमाना आ गया है। आप मेरे पिता समान हैं, आपने जो कुछ किया। बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ। सुनो बेटी, तुम कहाँ रहती हो? अगर बच्ची को देखने को जी चाहे, बड़ी प्यारी बच्ची है। अभी तो धर्मशाला में रहती हूँ बाबा, और कोई जगह नहीं। मुझे तुमने बाबा कहा, इसलिए कहने की हिम्मत करता हूँ। बेटी, मेरी एक टूटी फूटी झोपड़ी है, जो मुद्दत से इंसान की आवाज को तरस रही है। लेकिन बाबा, बाप के घर बेटी रहे, इसमें सोच क्या रही हो बेटी? लाओ, आ जाओ बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा। ओ हो, शाबाश शाबाश, आजा।
मेरा घर है भी। अरे मुंह क्या देख रही हो? मेरी बेटी के लिए चाय बना के ले आओ, नहाने के लिए पानी गर्म करो। अच्छा बाबा। ये मेरी फौज है भी। अंदर जाके आराम करो, मैं खाने पीने का सामान लाता हूं। कांग्रेचुलेशंस, स्कूल कमेटी ने आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। धन्यवाद। आप कल से पढ़ाना शुरू कर सकेंगी? जी हाँ। दैट्स गुड। ठहरिए, डिटेल्स जरा लिख लूं। नाम श्रीमती मीरा ठाकुर। पति का नाम? क्या ये बताना जरूरी है? देखिए, मैं अपने परिचय से नौकरी चाहती हूँ, पति के परिचय से नहीं। आप स्कूल में टीचर बनने जा रही हैं और यहाँ शरीफ घरानों की लड़कियां पढ़ती हैं। नमस्ते। नौकरी मिल गई? नहीं मिली? कोई बात नहीं, मैं दूसरे स्कूल में बात करूंगा। नहीं बाबा, ये पढ़ाई का काम मुझसे नहीं होगा। तो फिर? कहीं से किराए पे सिलाई की मशीन मिल सकती है। सिलाई की मशीन? एक छोड़ के एक दर्जन ले आऊंगा। जब मेरे तीन अच्छे थे तो कपूर कंपनी को कुछ कम मदद की मैंने, कल ही ले आता हूँ। जाओ मुँह हाथ धो के कुछ खा लो। नहीं, आज मेरा उपवास। उपवास? आज करवा चौथ है। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम किसी बड़े घर की लड़की हो, बड़े घर की बहू हो। तुम सब कुछ क्यों छोड़कर चली आई हो ये मैंने कभी पूछा भी नहीं तुमसे। लेकिन जिसके लिए तुम व्रत रख रही हो वो कौन है, कहाँ है, ये भी नहीं बताओगी बेटी? नहीं बाबा, ये मैं नहीं बताऊंगी और आइंदा कभी ये पूछना भी नहीं। छोड़ जा, ये तो सोने वाली नहीं है दीदी, खेल रही है। अरे सो जा ना, गंदी कहीं की। अरे बिंदिया, जानती हो क्या हुआ? मैं फल लेके स्टेशन के पास से आ रहा था तो देखा रेलगाड़ी के नीचे एक आदमी ने जान दे दी। अरे कौन था बाबा? था बेचारा कोई परदेसी, ये कोई 30-32 साल की उम्र होगी और हाँ उसके कमीज पे ए लिखा हुआ था।
देर लगा दी बेटी। माँ तुम सब भूल जाती हो। सुबह कहा था ना कल स्कूल में डांस है, रिहर्सल कर रही थी। माँ टीचर कहती है मैं डांस में फर्स्ट आऊंगी। सच? माँ मुझे भूख लग गई, कुछ खाने को दो ना। कुछ खाने को दो ना, लाती हूँ अभी। लेकिन तुम्हारी सिलाई जारी, आंखें खराब किए बिना तुम सुधरोगी नहीं। बस हो गया बाबा, ये लो 11 फ्रॉक। माँ दादा कब लौटेंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन तू क्या कर रही है? स्कूल का वक्त हो गया। आज पढ़ाई नहीं है माँ, खाली डांस है। तो क्या हुआ, फिर भी स्कूल में टाइम से जाना चाहिए ना। जाओ चल। बाबा काका हैं घर में? कौन है? वो तो बाहर गए हैं, कुछ काम है। कल रात जब वो दुकान पर कपड़े देकर गए, मैं वहां नहीं था, इधर से गुजर रहा था, सोचा पैसे यहीं देता चलूं। ₹33? जी हाँ, 11 कपड़े थे। ये तो कम है। कैसे, एक फ्रॉक के ₹3? तीन ही चार, बाबा तो चार लाते हैं। मैं हमेशा ₹3 देता हूँ। बिहारी, अब आप ही बताइए कि मैं हमेशा आपको ₹3 देता हूँ या नहीं? लेकिन तुम यहाँ क्यों आ धमके? किसने कहा था आने के? अरे वाह, मैं खुद चलकर आपके घर आया हूँ पैसा देने के लिए। बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पर, अब मेहरबानी करके दफा हो जाओ। जाओ। अच्छा चुप क्यों खड़ी हो? पता तो लगेगा, जो कुछ कहना है कह डालो। पता लग गया, इसीलिए चुप हूं बाबा। लेकिन मैं करता भी क्या, मेरी कमाई तुम छूओगे? दिन रात काम कर करके मेरी आंखों के सामने तुम अपने आप को खत्म कर रही हो, ये कब तक मैं बर्दाश्त करता? ठीक है, तुम्हारी सौगंध है, तुम अपनी बच्ची को अपनी कमाई से पाल, लेकिन मैं बाप होके अपनी बेटी को क्यों नहीं पाल सकता? रो मत बेटी, अगर तुम समझती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया तो जो मर्जी हो सजा दे दो। आप जैसों को कौन सी सजा देनी है ये मैं नहीं जानती बाबा। क्या है? ड्रेस लाए। ड्रेस? दादा डांस में फर्स्ट आना चाहिए। क्या हुआ सुधा बेटी? वो आशा है ना आंटी, बहुत मीन है। सुधा डांस में फर्स्ट आई ना तो जलने लगी, सबको कहने लगी सुधा जानती नहीं उसका बाप कौन है। सुधा रो नहीं, चलो अंदर चलो, मैं बताती हूँ। सुधा तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना? मेरे पास आओ बेटी, अभी तुम बच्ची हो, सब कुछ नहीं समझ सकती, इतना जानना ही काफी है कि तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत दुख दिया, इतना ज्यादा कि मैं सहन न कर सकी, और एक दिन
एक दिन बेटी, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी तुम जानना चाहती हो तुम्हारे पिता कौन है, कहाँ है? नहीं, कोई पूछे तो कह देना कि मैं उन्हें जानना ही नहीं चाहती। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और बेटी, बेटी, मैं नहीं सिखाता। थोड़ी देर लेके जाओगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश रहो, खुश रहो। चिट्ठी उसे लिखते रहना भाई, भूलना मत। जरूर जरूर। गिर गए और आपको मजा आ गया? बुजुर्गों ने कहा है सामने देखकर चलो, ऊपर देखकर नहीं। अजी ऊपर कैसे नहीं देखता,
तुम जो बंदरी की तरह दरख्त पे टंगी हुई हो। ये तुमने मारा? हाँ, तुमने मुझे बंदरिया क्यों कहा? अरे बंदरिया को बंदरिया ना कहूं तो क्या कहूं? अभी बताती हूँ। ए, सुधा मनोहर तू तो बड़ा साहब बहादुर हो गया है, मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। मैंने भी कहाँ पहचाना, लगी तो पहचान। तू कितना बदल गया है रे। लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदली। चल से आ रहा था तो देखा एक बंदरिया झाड़ पर बैठी, मनोहर को देखते ही जोर से कह रही थी घर का। हाँ माँ, मैंने भी तो इस रात बहादुर को बचाया। क्यों बेटा, चोट तो नहीं लगी? जी नहीं। अभी तो मैं ठाकुर एंड कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। पिताजी जिनके यहाँ काम करते हैं ना, वो ठाकुर साहब तो मुझे बिल्कुल बेटे की तरह प्यार करते हैं। पिताजी को रिटायर होते ही मैं ही मैनेजर बना दिया जाऊंगा, और अभी भी सारा काम तो मुझे ही संभालना पड़ता है। 50 आदमी मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं। बेटा तू तो कुछ खा ही नहीं रहा, डींगे मारने से फुर्सत मिली तो खाएगा ना। अच्छा जी, तो मैं डींगे मारता हूँ, कभी आके देखना कितने लोग सुबह शाम नौकरी के लिए मेरी खुशामद करते हैं। अरे वाह, तू तो नौकरी भी दिलवा सकता है। अरे यो, तो फिर मुझे भी नौकरी दिलवा दे। आपको काका? क्यों, क्या मैं नौकरी के काबिल नहीं हूँ? अच्छा भाई, सुधा को एक नौकरी दिलवा दे। ऑफिस में? हाँ हाँ ऑफिस में। आजकल कितनी लड़कियां काम करती है, हमारे अपने ऑफिस में 8-10 लड़कियां हैं। तो जल्दी से नौकरी दिलवा दे बेटा, माँ बेचारे ने तो आंखें खराब कर दी हैं काम करते करते। अजी सुधा को तो मैं एक मिनट में अपने हाथ के नीचे नौकरी दिला सकता हूँ। आईने में कभी मुंह देखा है तेरे हाथ के नीचे, और मैं नौकरी करूँ? तो फिर बोले। हमें बहुत खुशी हुई बेटा कि तुमने इतने सालों के बाद हमें याद किया। यहाँ तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन हाँ न सिनेमा है न थिएटर, तकलीफ तो होगी ही साहब बहादुर को। यहाँ तो सिर्फ एक बंदरिया है। सुधा, आजकल आसपास कहीं गन्ने की खेती है? कहाँ चलेंगे शाम? वहां झोपड़ा है, चल वहां चले। कहाँ है वो? देख चल।
समझ समझ इसको उल्फत तो नहीं कहते, मुझे डर है कहीं किसको मोहब्बत तो नहीं कहते। मोहब्बत तो नहीं कहते शायद।
नहीं जानती थी हसी और आंसू इतने करीब है। अरे मनोहर तू आज ही जा रहा है क्या? जी हाँ। भाई कुछ मजा नहीं आया, कब आया कब गया कुछ पता नहीं चला, दो चार दिन और रह जाना। रहना तो मैं भी चाहता हूँ, मन लग गया था, लेकिन वहां शहर के लोग ठाकुर साहब को एक भारी रिसेप्शन दे रहे हैं और सब इंतजाम मुझे ही। लेकिन मनोहर क्या सुधा वो काम कर सकी? क्यों नहीं माता जी, मैं दो दिन में सिखा दूंगा। इसमें फिक्र की क्या बात है, वहां मनोहर है, पन्नालाल है, जाने का वक्त हो गया बेटे। जी हाँ, मुझे चलना चाहिए। ठीक है ठीक है। अच्छा माँ जी। जी करो बेटा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैं जाऊँ। मैं जाके खबर दे दूंगा। अरे तुम यहाँ, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार? क्यों? मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। क्या बात? सुनो, मैं नहीं चाहती कि मैं आप काम करें, तुम मेरे लिए नौकरी की कोशिश करना। अच्छा तो तुम सिर्फ माँ के लिए नौकरी करना चाहती हो? और नहीं तो क्या? आंखें तो कुछ और कह रही हैं। जब सब कुछ जानते हो तो फिर पूछते क्यों हो? जल्दी बुला लोगी ना? कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा? तुम तो कहते थे ठाकुर साहब मेरे इशारों पर नाचते हैं, बड़ी रिंगे मारते थे। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मेरा दिल धड़क रहा है, कहीं ऐसा ना हो शहर जाकर तुम मुझे भूल जाओ। पगले, अगर तुमने शहर जाकर मेरा काम नहीं किया तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। ये नौबत शायद नहीं आएगी।
सुनो, तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? नहीं तो। तो फिर जाते क्यों नहीं? जा तो रहा हूं। तो फिर जाओ ना। तेरी माँ काम करते करते अपनी आंखें खोल, इधर देख बेटी, इधर देख। ये क्या तू रो रही है बेटी? बाबा, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? मैं कैसे चल सकता हूँ बेटी, यहाँ इस घर की देखभाल कौन करेगा? और वहाँ परदेश में हमारी देखभाल कौन करेगा? वहाँ मनोहर है, पन्नालाल है। और यहाँ तुम्हें कौन देखेगा? कौन खाना पकाएगा तुम्हारे लिए? कहो दादा, बोलो तुम हमारे साथ चलोगे? तुमने मुझे कभी इनकार नहीं किया। बाबा, आपके बगैर बेटी कभी सोचता था कि इस घर में मैंने सब कुछ खो दिया है, और आज सोचता हूं कि यहां मुझे सब कुछ मिल गया है। यही मेरा जन्म हुआ, शादी हुई, और फिर एक दिन यह घर बिल्कुल सूना हो गया। जब यहां मेरा दम घुटने लगा, तुम मिल गई, यह बच्ची मिल गई। इसकी हंसी से मेरे सारे अंधेरे दूर हो गए, दुख की परछाइयां मिट गई। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकता हूं बेटी? बाबा, जिद न करो, जब मेरी जरूरत पड़े बुला लेना, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा बेटी। मैं जिद नहीं करूंगी बाबा, जो प्यार तुमने मुझे दिया है क्या वो कम है? जब सारे सहारे टूट गए थे तो बाप की तरह आसरा दिया था तुमने, साहस दिया था। अब ये घर मेरे मैके की तरह है बाबा। तभी तो कहता हूं बेटी, हर लड़की को एक मायके की जरूरत है, ये तुम दोनों का मायका ही तो है। मुझे नहीं चाहिए मेकअप है, अगर तुम साथ नहीं चलोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुधा, इधर देख बेटी। नहीं सुधा, मैंने हमेशा तेरी हर बात मानी, आज तो मेरी एक बात नहीं मानेगी। दादा, आ गई सुधा। आवा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। चाचा जी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखो बेटी, तुम्हें ठाकुर साहब के सेक्रेटरी का काम करना पड़ेगा। ठाकुर साहब? ठाकुर साहब बहुत बड़े दानी हैं, सबका दुख उनका दुख है, पर आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती,
फिर भी मोहताज लोग उन्हें दिन भर तंग करते रहते हैं। तुम्हारे लिए खास काम यह है कि तुम सिर्फ उन लोगों को उनसे मिलने दो जिनका काम बहुत जरूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी चाचा जी। आओ मेरे साथ। घबराओ नहीं बेटी, ठाकुर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। ठाकुर साहब ये हैं आपकी सेक्रेटरी। मेरी सेक्रेटरी? मालूम होता है तुम और मनोहर मुझे बिल्कुल बेकार करके छोड़ोगे। मुझे सेक्रेटरी वैक्ट्री नहीं चाहिए। अरे कह दिया ना कि मुझे सेक्रेटरी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम सुधा है। बड़ा प्यारा नाम है। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। जी कहिए। मेरे खिलाफ इस दफ्तर में एक भारी साजिश हो रही है। साजिश? हाँ साजिश, और उस साजिश के लीडर हैं मनोहर और उनके पिता। अक्सर गरीब लोग मुझसे यहाँ मदद मांगने के लिए आ जाते हैं, तो ये दोनों मेरी सेहत का बहाना बनाकर उन्हें बाहर से ही रखा देते हैं। तुम ऐसा करना कि अब जब कोई मुझसे मिलने आए ना तो उसका पता और नाम ले लेना, हाँ, और फिर चुपके से मेरे केबिन में झांक कर देखना, अगर कोई ना हो तो फौरन भेज देना। जी अच्छा, बस मेरा यही काम होगा। और रईसों के सेक्रेटरी के क्या काम होते हैं, वो रहा तुम्हारा केबिन। हाँ एक बात और, ये मेरा नौकर जो खाना लेकर आता है ना, ये मालूम होता है कम्बख्त अफीम जी, खाना लाकर सो जाता है। और मैं भी भूल जाता हूँ। तुम ऐसा करना कि ठीक 1 बजे मुझे खाने की याद दिला देना। जी अच्छा। एक बात और, शाम को 4 बजे मुझे गरम गरम चाय पीने की आदत है, अगर नहीं पीता हूँ ना तो सर दुखने लगता है। अगर तुम? जी बहुत अच्छा। मुबारक है सिकंदरी साहब। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। देखिए सिकंदरी साहब, ये है ठाकुर साहब का मेडिकल फाइल, उनके सेहत के बारे में आपको इसे सब कुछ पता लग जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर साहब, आप मुझे भी साजिश में मिलाना चाहते हैं? अरे आप तो पहले से ही मिली हुई हैं। हाँ अब आप बॉस की सेक्रेटरी बन गई, जरा मुझ पर मेहरबानी रखिएगा, कहीं नौकरी से मत निकलवा दीजिएगा। अच्छा अच्छा सेक्रेटरी साहब, देखिए जी ठाकुर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके बारे में उनसे कह दूंगी, अगर कुछ हो सका तो मैं जरूर खबर दूंगी। लेकिन उनसे मिलना तो नामुमकिन है, डॉक्टर ने जो कहा है। अच्छा नमस्ते। अच्छा तो इसीलिए आज हमसे कोई मिलने नहीं आया। जी वो, मैं उन्हें आपसे कैसे मिलने दे सकती हूँ, आपके खाने का जो टाइम हो गया है और डॉक्टर। तो ये हमारी मेडिकल रिपोर्ट की फाइल तुम्हें किसने दी? जी वो मैं आपका खाना लगाती हूँ। हेलो मनोहर। यस। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मैंने क्या किया? ये हमारी मेडिकल रिपोर्ट की फाइल तुमने सुधा को क्यों दी? हमें आपकी लंबी उम्र की बहुत जरूरत। बदमाश कहीं का। आ जाएगा खाने का मजा, बिल्कुल गर्मा गर्म। अरे तुमने एक ही प्लेट क्यों लगाई, तुम नहीं खाओगी क्या? जी मैं खाना खाकर आती हूँ, माँ खाना खाए बिना घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। ओ
और कौन कौन है तुम्हारे घर में? बस मैं और मेरी माँ। दादा है लेकिन वो आए नहीं हमारे साथ। और तुम्हारे पिताजी? जी आपका टेलीफोन। मेरा? जी। हेलो जी, मैं मनोहर बोल रहा हूँ। बदतमीज, मालूम नहीं है मैं ठाकुर साहब को खाना खिला रही हूँ? मुझे शौक से खिलाइए, चाहे तुम मेरे साथ पी सकती हैं। सोचूंगी। शुरू करेंगे और चाय पीना भूल जाएंगे। यही तो होता है, और चाय भी ठंडी हो जाती। तो आप ऐसे क्यों नहीं करते? आज ही आराम कीजिए, ठीक 3 बजे मैं आपको चाय के साथ जगा दूंगी। पर काम क्या मेरी जगह तुम करोगी? सिर्फ 1 दिन, शायद आप इसे ज्यादा फ्रेश फील करें और फिर ज्यादा काम कर सके। कोशिश करने में हर चीज क्या है, ठीक है ना? अच्छी बात है, ये तो कमाल कर दिया। ठाकुर साहब दिन में सो रहे हैं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। देख लो। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। 3 बज गए। तो क्या हुआ? ठाकुर साहब के चाय का वक्त। चाय नहीं पीती? जी पीती हूँ। तो लो ना। तुमने ठीक ही कहा था, मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। तुम लोग यहाँ कहाँ ठहरे हुए? जी होटल में। होटल में? राम सिंह जी। जी जाओ, मनोहर बाबू को बुलाओ। जी जो काम भी खुद नहीं देखूंगा गड़बड़ होगा। मनोहर जी, तुमने इन लोगों को होटल में क्यों ठहराया? जी कोई क्वार्टर खाली नहीं था तो मैंने सोचा कि। तो हमारे गेस्ट हाउस में कौन ठहरा हुआ? जी कोई नहीं। बिल्कुल जुज्जू हो तुम, अरे तो इनको गेस्ट हाउस में ठहरा देते। जी मैं कैसे? बहुत तो फिर मुझसे पूछ लिया होता भाई, जाओ इनको गेस्ट हाउस में ठहराने का इंतजाम करो। जी जुज्जू ड्रिंक। चाय बनाओ। नहीं बनाएगी? नहीं बनाएगी? कितना अच्छा घर है, हम यहाँ रहेंगे बेटा। जी हाँ। माँ मैंने तुमसे कहा था ना, ठाकुर साहब इंसान नहीं देवता है, देवता। अरे बेटा। हाँ। ठाकुर साहब को हमारी तरफ से धन्यवाद कहना। माँ जल्दी ऊपर आओ, जल्दी। क्या हुआ? जल्दी आओ ना, जल्दी हो। क्या है? जल्दी आओ ना, देखो तो कितना खूबसूरत है। चांद भी कोई दीवाना है, साथ है लेकिन बेगाना है। ये भी है हम सा ही आवारा, रात भर फिरता है मारा मारा। ये भी है हम सा ही आवारा, रात भर फिरता है मारा मारा। इसका भी
गम मन जाना है, साथ है लेकिन बेगाना है। ओ चांद भी कोई दीवाना है, साथ है लेकिन बेगाना है। ओ चांद भी साहिल की बंदगी है, ये भी है खून से पगली कोई झूमती फिरती है खोई खोई, ये भी है खून से पगली कोई झूमती फिरती है खोई खोई, इसको भी साहिल है लेकिन बेगाना है। ओ चांद भी हुस्न और इश्क की शोखियां जाविदां जाविदां जाविदां, यही अफसाना है। ओ चांद भी कोई दीवाना है, साथ है लेकिन बेगाना है। ओ चांद भी साथ है ला 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 ला, कोई दीवाना छिपकर तो मैं यहां काम करने बैठा हूं। दवा पी लीजिए। लेकिन ये तो बहुत कड़वी है। जी हाँ। बस अब तो जाओ तुम घर, तुम्हारी मां इंतजार कर रही होगी। और आप जो काम कर रहे हैं। अच्छा बाबा लो, मैं भी बंद करता हूँ। अब तो खुश हो। अरे राम सिंह, देखो दफ्तर की गाड़ी है, ड्राइवर से कहो इन्हें घर छोड़ा है। और सुनो हमारी गाड़ी भी भेज दो। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? सेक्रेटरी से इजाजत ली। जी हमारे रेलवे का टेंडर मंजूर हो गया। गुड, ये सब मनोहर की कोशिश का नतीजा है। पन्नालाल, तुम्हारा सुधा के बारे में क्या ख्याल है? जी मेरा मतलब कैसी लड़की है? जी बहुत अच्छी। अपना जुज्जू भी बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है सुधा और मनोहर की जोड़ी अच्छी रहेगी। बात करके देखो ना। करनी ही पड़ेगी, जब से वो लोग यहाँ आए हैं मनोहर शाम में ही गुजारता है। तो सोच क्या रहो, उसकी माँ से बात चलाओ। पन्नालाल जी, आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। शुक्रिया। हाँ, आपने सुधा के पिताजी के बारे में कुछ नहीं बताया। आप तो हमें बरसों से जानते हैं,
बस ये समझ लीजिए, आप अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी के साथ कर रहे हैं। मीरा देवी, शादी एक घरेलू मामला ही नहीं, एक सामाजिक बंधन भी है। अगर समाज मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? पन्नालाल जी, मेरी जिंदगी में एक ऐसी दुर्घटना हो चुकी है कि सुधा के पिता कौन है, कहां है, मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूं कि मेरी शादी हिंदू धर्म के अनुसार हुई है और सुधा मेरे पति की निशानी है। तो फिर आपको बताने में क्या एतराज है? पन्नालाल जी, अगर आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये रिश्ता मंजूर करने के लिए मेरी सबसे पहली शर्त होगी कि आपको अपने पति के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, तो आपकी शर्त पूरी नहीं होगी। तो क्या मैं ये समझूं कि ये रिश्ता? मीरा देवी, एक बार फिर सोच लीजिए कि आपकी ये जिद आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो मैं चलता हूं। सुधा, बेटी दरवाजा खोल, मेरी बात तो सुन। सुधा, सुधा, मुझे सुना के क्या करोगी माँ? तुमने तो अपनी जिद पूरी कर ली है ना? जिद पूरी कर ली? मेरी 15 साल की तपस्या से? बत्ती तो जला दे। बत्ती तो जल रही है माँ। जल रही है? हाँ माँ। तो फिर ये अंधेरा कैसा, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? सुधा, तू मुझे नहीं दिखती। सुधा माँ, माँ, देखा है मैंने एक सपना। माफ कर दो माँ, माँ, मुझे माफ कर दो माँ। सुधा, माँ, सुधा। लेकिन ये वजह कुछ समझ में नहीं आती पन्नालाल। मैं ठीक कहता हूं ठाकुर साहब। हेलो, हाँ मैं ठाकुर साहब बोल रहा हूं। कौन? सुधा, क्या कहा? तुम्हारी मां की आंखों की रोशनी जाती रही, लेकिन ये हुआ कैसे? हाँ हाँ, घबराओ मत, मैं भी आता हूं। हाँ रही। मैं कितनी बदनसीब हूं, आज देवता मेरे घर चल कर आए हैं और मैं उनके दर्शन भी नहीं कर सकती। ठाकुर साहब, क्या हुआ? क्या हुआ सुधा? शायद दिल का दौरा पड़ गया। अब कोई डर नहीं है, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज रात यहाँ से ले जाना ठीक नहीं रहेगा। सवाल ही नहीं उठता, यहाँ रहेंगे तो मैं इनकी देखभाल करूंगी। कोई तकलीफ हो तो फोन कर दीजिए। जरूर। माँ, अब चलो तुम भी सो जाओ, मैं ठाकुर साहब के पास बैठूंगी। चलो। पानी
सुधा, सुधा। मीरा, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, ठाकुर साहब पानी मांग रहे थे। तो मुझे बुला लेती? मैं तो सो गई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या हुआ था माँ? टकरा गई थी? तो फिर? कुछ पता नहीं, ऐसे लगा जैसे जैसे कुछ नहीं। बेटी कुछ नहीं, तुम सो जाओ माँ, आज तुम बहुत परेशान हो। चलो हुजूर, सुधा जी और उनकी माँ से मिलने आई हैं। सुधा और उनकी माँ? अंदर बुला लो, अंदर बुला लो। बेटे ठाकुर साहब आपकी? ठीक हो। आपने आने की तकलीफ क्यों की? उस दिन बीमारी की हालत में आप चले आए। यूं तो सुधा टेलीफोन पर खबर ले ही लेती थी, लेकिन मैंने सोचा दर्शन करना तो भाग में नहीं है, चलो हाल ही पूछा है। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हो। दिलीप सिंह, खड़े क्या हो भाई, इनके लिए चाय वाय लाओ। नहीं नहीं, तकलीफ मत कीजिए। मैं भी पीऊंगा। तो फिर मैं बना कर लाती हूँ। दिलीप सिंह जी, मनोहर बाबू आए थे ठाकुर साहब से मिलने? कहाँ जी, चार दिन से साहब बीमार पड़े हुए हैं, एक दिन भी मिलने नहीं आए, और सुना है वो दफ्तर भी नहीं जाते। अजी कमरा बंद करके दिन भर शराब पीते रहती है। सुना हजारों आदमी अपनी मुसीबतें लेकर आपके पास आते हैं, आज एक दुखी माँ की मुसीबत भी हल कर दीजिए। कहिए क्या कर सकता हूँ। जब से पन्ना लाल जी सुधा का रिश्ता तोड़कर गए हैं, हमारी दुनिया अंधेरी हो गई है। सुधा का हाल मैं देख तो नहीं सकती, लेकिन उसका दुख अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लेकिन आपको सुधा के पिता का नाम बताने में क्या एतराज है? कैसे बताऊं ठाकुर साहब, जिस आदमी ने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया, बीमार बच्ची और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उनका नाम बताऊं? उनका नाम तो क्या, मैं कभी उनका साया भी सुधा पर नहीं पड़ने दूंगी। आप देवता हैं ठाकुर साहब, पन्नालाल जी आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। आप उन्हें यकीन दिलाइए सुधा मेरे पति की ही निशानी है। शराब, शराब पीकर मेरे सामने बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आपने मजबूर किया मुझे, ये रिश्ता तोड़ने से पहले मुझे पूछा तो होता। चुप रहो, मेरे घर में जो लड़की बहु बनकर रहेगी वो किसी तरह की अनोर। शराब, शराब पीकर, शराब पीकर मेरे सामने शराब पीकर बेवकूफ देवदास बना फिरता है, बेवकूफ समझता है कि शराब पी के सुधा को जीत लेगा।
अगर उसकी माँ को पता चल गया तो तुझे कहीं नहीं आने देगी। तुझे क्या पता है शराब से कितने घर तबाह हो गए, कितने खानदान बर्बाद हो गए। ठाकुर साहब, मनोहर मेरी तरफ देख, मेरा घर था, मेरी बीवी थी, गुड़िया सी एक बच्ची थी, लेकिन एक दिन शराब के नशे में चूर होकर मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। मैं तबाह हो गया मनोहर, मैं तबाह हो गया। 15 साल से मैं उनकी तलाश कर रहा हूं, और जब वो मुझे मिली तो मैं अपने होश हवास ही खो बैठा। पन्ना लाल, मैं ही सुधा का बदनसीब बाप हूं, लेकिन ये कहूं कैसे, मीरा ने मुझे आज भी माफ नहीं किया। बीवी मुझे वैसे ही नफरत करती है पन्ना लाल, वैसे ही नफरत करती है। ठाकुर साहब, सुधा, तुम यहां इस वक्त? जी, मैं नौकरी से इस्तीफा देने आई हूं। मैं आपके पैसों से अपनी मां का इलाज नहीं कराऊंगी। सुधा, मैं जान गई आपका ये दान पुण्य गरीबों के लिए हमदर्दी, अपने पाप को छुपाने के लिए पर्दा है। तो तुम्हें मालूम हो गया कि मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप। मुझे मालूम हो गया है आप ही ने मेरी मां की जिंदगी में जहर घोला है। तुम्हारी मां को भी मालूम हो गई ये बात? मालूम होने से पहले ही मैं उन्हें यहां से ले जाऊंगी। 15 साल पहले की वो भयानक रात जिसे तुम्हारी मां आज तक नहीं भूल सकी, मुझे याद है वो अगली सुबह जब सोना घर देखकर मैं चीख उठा था। इन 15 सालों में मैंने दर बदर की ठोकरें खाई, भगवान के सामने कसम खाई कि मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये दान पुण्य अपने पाप को छुपाने का पर्दा नहीं है सुधा, अपने पाप का प्रायश्चित। भगवान गवाह है कि इन 15 सालों में जब भी मेरी निगाह दुनिया की तरफ उठी, तुम दोनों को देखने की प्यास लेकर उठी। उस रात जब मुझे मालूम हुआ कि तुम मेरी बेटी हो, तो प्यार का ये भूखा दिल तड़प उठा तुम्हें सीने से लगाने के लिए, तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज सुनने के लिए। पिताजी, मैं जाती हूं। बस तुम्हें और कुछ नहीं कहना है? ठीक है, मैं जानता हूं कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाते हैं, फिर भी आस लगाए बैठा था कि शायद ठीक हो ही जाए। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम दोनों को मैंने जिंदगी में सिवाय दुख के और दिया ही क्या? रोकने का मुझे हक ही क्या? यस,
आइए आइए ठाकुर साहब, रिपोर्ट मिल गई है। जी, मीरा देवी की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या ये ऑपरेशन मेरे घर पे नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, मैं सब इंतजाम किए देता हूं। थैंक यू। पिताजी, अगर इस तरह काम करते रहे तो माँ के ठीक होने से पहले आप बीमार पड़ जाएंगे। सुबह से दवा पड़ी हुई है। मुझे कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं। तो फिर पी लीजिए। जब माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी और उन्हें मालूम पड़ेगा कि ये सब आपने किया है तो वो खुश नहीं होगी। देखना, वो पुरानी सब बातें भूल जाएगी। सुधा कहती थी कि तुम पुरानी सब बातें भूल जाओगी। जिस आदमी ने हमारी जिंदगी में जहर खोल दिया, बीमार बच्चे के साथ मुझे घर से निकाल दिया, उसका नाम बताओ। उसका नाम तो क्या, उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं इस बच्ची पर। मुझ पर कुछ भी थे, ऑपरेशन होगा, जरूर होगा। ऑपरेशन जरूर होगा। ठाकुर साहब, ऑपरेशन कामयाब हुआ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। पट्टी 15 तारीख को खुले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पन्नालाल जी, आप अंदर ले जाइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए। मां, सुधा बेटी, अब शायद मैं तेरी शादी देख सकूंगी, तुझे दुल्हन के रूप में देखूंगी। सुधा, जब मेरी पट्टी खुल जाए तो मुझे ठाकुर साहब के पास ले चलना। सबसे पहले मैं उन्हीं के दर्शन करना चाहती हूँ। अच्छा माँ, एक अपने थे जिन्होंने मुझे इस हालत पर पहुंचाया, और एक हैं ठाकुर साहब जो गैर होकर भी मुझे जिंदगी की नई रोशनी वापस दे रहे हैं। माँ, ठाकुर साहब। नमस्ते। नमस्ते ठाकुर साहब, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में मैं और तो कुछ कर नहीं सकती। सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा सुखी रहें। अगर एक प्यासा स्त्री के लिए पराए पुरुष के चरण छू लेना पाप ना होता तो इस वक्त मैं आपके चरण छू लेती।
हूं प्यार, मेरे गुनाहों की मुझे बहुत सजा मिल चुकी है, उससे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी बेटी ने मुझे माफ कर दिया है, कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। कौन है? सुधा, सुधा, क्या हुआ माँ? क्या कौन कौन आया था इधर? कोई तो नहीं माँ, कोई नहीं। ऐसे लगा जैसे तुम्हारे पिता, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, ऐसे भी तो हो सकता है कि पिताजी अब बदल गए। खबरदार सुधा, उनका नाम भी ना लेना मेरे सामने, मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। और वो हे राम, हे राम। अगर मेरी आंखों में रोशनी आ जाए तो मुझे फौरन ठाकुर साहब के पास ले चलना। देख सकती हूँ सुधा, सुधा बेटी, मैं देख सकती हूँ। चल बेटी, सबसे पहले मैं ठाकुर साहब के दर्शन करना चाहती हूँ। ठाकुर साहब किधर हैं? यही तो थे माँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये किसकी तस्वीर है? ठाकुर साहब की है माँ। ठाकुर साहब, सुधा जी, ठाकुर साहब ही चिट्ठी लेकर गए हैं। सुधा बेटी, मैं जानता हूं तुम्हारी मां मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे पास जो कुछ भी था तुम दोनों के लिए छोड़कर तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहा हूं, तुम्हारा बदनसीब बेटा। पिताजी चले गए हैं माँ। माँ, तुम पत्थर तो नहीं बन गई हो माँ? अब पिताजी कभी लौट कर नहीं आएंगे, उन्हें रोक लो माँ, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। माँ, पिताजी अब बिल्कुल बदल गए हैं, बिल्कुल बदल गए। माँ, उन्हें उन्हें दिल की बीमारी है, उन्हें कुछ हो गया तो। माँ, मीरा, मीरा,
मीरा, बहुत दुख दिया है तुमने मुझे, बहुत दुख दिया है मीरा। तुम नहीं जानते मुझ पर क्या क्या बीती, फिर छोड़कर जा रहे थे। तो फिर सुधा की शादी कौन करेगा? मैं करूंगी क्या? मुझे माफ कर दो मीरा, और शर्मिंदा मत करो मुझे, अब तुम अकेली नहीं हो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर चलो, घर चलो।